हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत हमें बेसुरा कहीं का। राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बस्ती ट्रैवल टॉक। लेके हम एक नया ब्लॉग, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। और हाँ, जाते जाते लाइक्स की और सब्सक्राइब की बारिश ज़रूर करके जाना, मन को बहुत अच्छा लगता है। जी अंकल, जी अंकल, फिल्म फेयर अवार्ड्स OTT। हाँ जी, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ। हाँ, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप सबको बोलिएगा वोट करें। हाँ जी, 10th November लास्ट डेट है। हाँ हाँ अंकल, बाद में बात करता हूँ। हेलो, हाँ मामा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, दे बैच। हाँ जी मामा जी, क्या बात है, बड़ी सांस फूल रही है, किसी के ऊपर लेटे हो क्या? क्या बोलूँ, या तो दिल में धड़कन है या सीने में फौलाद। चूतिए की औलाद। मामा जी, बात है, नमस्ते मामा जी। मामा, मैं सीढ़ियों में था, सांस फूल रही थी, तो सोचा घूम लेके पानी मांग लूँ। क्या मांग लूँ? पानी पीने का नहीं, झांटों पर डाल के पौधा लगाना। चल पानी ले जा। मामा, आप अचानक मुझे बता देते, मैं लेने आ जाता। अरे नहीं भांजे, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था आने का, मैं तो मत हाथ धो के मेरे ब्रदर की दुल्हन देख रहा था। अच्छा, हाथ धो के भाभियां देखते हैं मैच? वे पिक्चर का नाम है। पर हाथ धो के क्यों? वो कविता की वजह से उंगलियां चाट ली थी मैंने अपनी, इतना सॉफ्ट और रसीला। ढोकला बनाया था उसने, सॉफ्ट और रसीला। आप यहाँ कैसे? वो भी शाम को। क्यों, मैं नगर पालिका की गाड़ी हूँ जो सिर्फ सुबह आती है, गाना बजाते हुए कचरा निकाल। अरे वो तो अच्छा हुआ, टचवुड में घर पे था, वरना भागा भागा थोड़ी आता। मतलब ये बताओ, घर में कौन कौन है? हम तीनों। हम तीनों के अलावा दीदी की तरह रूम में और कोई है? हाँ हम तीनों, बे भूपिंदर जोगी, कोई और है? ये जिंदा कैसे अब तक? बेटा तू एग्जाम दे के पास हुआ या प्रिंसिपल का MMA से तेरे पास? मामा जी, सनी पाजी से ज्यादा IQ है मेरा। मैं एक साल में कितने महीने 28 दिन के होते हैं? वन प्रथम एक उनो फेब्रुवरी पैंट, सिर्फ 27 दिन के होते हैं बराबर। नहीं उनमें भी तो 28 दिन होते हैं। एटीट्यूड तब दिखाओ जब उतने ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाओ। तू रुकना यार, हमारे अलावा वो मम्मी है। पर वो क्या? बेटा तेरी माँ का कल फोन आया मुझे रात को, कविता और मैं फास्ट कर रहे थे करवा चौथ का, बहुत रो रही थी, मैं घबरा गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। मम्मी रो रही थी? वही तो, सुबह से कमरे से भी बाहर नहीं आई है। क्लेश तो नहीं हो गया अंकल आंटी में? वो तो रोज का ही है। पर रो क्यों रही थी, आपको कुछ बताया क्या? मुझे क्या पता बेटा। हाँ गुल्लू, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ उसको बिठा के रख, भागने मत दियो, 1 से 5 के बीच में चुन। हाँ 5 दांत उखाड़ दे। नहीं नहीं नहीं, वन वन वन, ठीक है 1 दिन बाद गर्दन काट दियो। फटाफट पैसे निकलवा, और अगर मना करता है तो ऐसा बिछाड़ा तोड़ कि बैठने का तरीका कैजुअल हो जाए। मम्मी। अरे दीदी। नहीं नहीं, F1 रेसिंग देखने नहीं आया हूँ, बहना के घर हूँ। हाँ बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ दीदी? टीटू, तू मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा? मैं वहाँ एक कमरे में कोने में पड़ी रहूंगी। तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेंडिंग केसेस हो क्या दीदी? पर तुम बिल्कुल आ सकती हो दीदी, वो तुम्हारा ही घर है, कभी तो छत पे सो जाएंगे। दूसरा रूम नहीं है? 1 BHK है। ड्रॉइंग रूम में सोफा नहीं है? इंटीरियर करवा देना, भोसड़ी के इतना शौक है तो। दीदी तुम बिंदास चलो, लेकिन हुआ क्या? कोई बात नहीं, वहाँ एक कुटिया देख लूंगी। दीदी कविता मेरी बीवी है। अरे कुटिया नहीं, कुटिया। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मम्मी बताओ तो सही क्या हुआ? फैमिली मैटर है तो मैं निकलूं मैच। अगर हाथ थामने वाला हाथ उठाने लग जाए ना बेटा, तो समझ जाना कि रिश्तों की जड़ें उखड़ चुकी हैं। हाथ थामने वाला हाथ उठा मतलब क्या? खिलौना बना खलनायक, क्या रक्षक बना भक्षक। जब भी मैट का आदित्य कबीर सिंह बन गया, अबे इस वाली बागवान के विलन खुद अमित जी है मैच। इससे पहले कि मैं दम शराड़ का शराड़ निकाल के तेरी गांड से दम निकाल दूं, सीधे सीधे बता क्या है। राधे भैया ने निर्जरा पे हाथ उठा दिया। कौन राधे? पापा। अगर जीजा जी राधे है ओ भाई, तो इसका मतलब निर्जरा दीदी।
पापा ने मम्मी पे हाथ उठाया। जैसे दिखते अंकल वैसे हैं नहीं बैंच, पर ऐसी क्या बात हो गई यार कि हाथ उठाना पड़ा। हमारे समाज में ऐसे होता है, शादी से पहले मुलाकात है और शादी के बाद मुक्का लाते हैं। फोन लगा बबलू को। हैं? एक लड़के ने स्कूल में दीदी को गंजी चुड़ैल बोल दिया था। फिर क्या पता, आज तक उसके मिसिंग पोस्टर पे कुत्ते मूत के जाते हैं। उसने तो सिर्फ जुबान चलाई थी लेकिन जीजा जी ने हाथ उठा दिया। अरे उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बहन पे हाथ उठाने की? ऐसे ही ऐसे हाथ उठा दिया। मैं भूल गया, वो मेरा जीजा है, लोहे का जवाब हथौड़े से। पापा है वो। अरे रिश्तेदारी मेरे लौड़े से। शांत हो जाओ आप, उन्होंने जो भी किया है वो माफी की लाइन बोल दिया। जिस घर में सम्मान नहीं बहन का, उस लंका का वक्त आ जाता है दहन का। एक 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 बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या पता कोई मजबूरी रही होगी। अरे मजबूरी में लोग भीख मांगते हैं, वादों से मुकर जाते हैं, फरहाद सामजी की फिल्में कर लेते हैं लेकिन अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाते। पुलिस कंप्लेंट करते हैं अंकल की। पुलिस तो आएगी पर उसे नहीं, मुझे लेने जा। आरी लेके आ। यस सर। अबे ओ हवलदार रुक जा। आरी क्यों बेटा? हाथ काटने के लिए। वो हाथ कैसे धोएंगे? शोले का ठाकुर बिना गांठ धोए जिंदा था ना। तू बता, हाथ काटू की दाया निप्पल? निप्पल नहीं, एक निप्पल कटने पे ऐसा लगेगा अंकल की छाती आंख मार रही है। ठीक है फिर तेरे बाप को अपने हाथों से हाथ धोना पड़ेगा बेटा। ओहो स्वच्छता की बातें हो रही। अरे टीटू तू कब आया? होश में तो अब जाके आया हूँ। पापा कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बेटा पहले मार्केट से वो मच्छर मारने की दवाई ले आ, पूरे घर में इतने मच्छर हो गए, मेरा हाथ देख पूरे काट लिए। मेरे पास एक उपाय है, मच्छर के साथ साथ हाथ खत्म, चैप्टर क्लोज। मामा बेटा क्या सिखाया था मैंने? अगर किसी के साथ गलत हो तो कंडेम, और अगर खुद गलती नहीं कर रही तो कंडम। बस किसके साथ गलत हुआ? एंजेलो मैथ्यूज। क्या ये जो शराफत का मफलर ओढ़ा हुआ है ना, ये उतर गया है। मतलब? छी छी छी, ऐसा मासूम चेहरा है कि छोटे बच्चे गोद ले लें इसको, और उसके पीछे ऐसा शैतान। क्या बोल रहा है तू? मैंने आज तक मुट्ठी खोली नहीं है, मारी है बस, मैं बता रहा हूँ खोल लूंगा। कुत्ता काट गया क्या इसको? जब मेरी बहन के साथ फेरे ले रहे थे तब तुमने क्या बोला था कि कब खत्म होंगे? ये नहीं बोला था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा? तूने कब बोला मुझे ऐसा? अरे तुमने नहीं बोला था दीदी को कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा? हाँ तो उसी औरत पे हाथ उठा दो। बहुत गलत किया आपने, मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता था। बे कॉन्स्टिपेशन है ये। बेटा मैं इंस्पेक्टर ही हूँ। दीदी को बुला। हाँ पेश करें। शाही पकवान नहीं है मेरी दीदी जो पेश करें। जानकी दीदी, मम्मी, आंटी, तीन लोगों ने बुलाया ना। मम्मी पूरी बात बताओ। कल जब मैं बाहर दिवाली की रंगोली बना रही थी तो इन्होंने मुझे बोला कि हलवा बना दो। किचन में आई तो अनुपमा ने बोला सूजी खत्म हो गई है, तो फिर साइकिल पे बैठ के दर्जी के पास गई सूजी लेने। वहां उर्फी जावेद और मैंने लंबे लंबे लहंगे सिलवाए। वो लहंगा पहनकर मैं तितली के पीछे पीछे भागी, और फिर मुझे पार्क में रणवीर और दीपिका दिखे, दोनों बहस कर रहे थे तो मैंने वहीं बैठ के श्रीलंका की टीम। फिर मैं वहां से श्रीलंका की टीम के पास गई क्योंकि मुझे लगा सूजी वहीं मिलेगी, और जब मैं स्टेशन पे उतरी तो फिर आमिर खान क्रिकेट खेलता दिखा, उसने ऐसा शॉट मारा कि मेरे हाथ से सूजी गिर गई, और जब मैं घर बिना सूजी के आई तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। पिछले हफ्ते छत से गिर गई थी सपने में, सारा दिन लंगड़ी कुतिया की तरह चल रही थी। दीदी जीजा जी ने तुम्हें सपने में थप्पड़ मारा? हे प्रभु, हे प्रभु। मतलब पापा ने आप पे हाथ नहीं उठाया? बेटा मैं ऐसे परफ्यूम छिड़कने के लिए हाथ उठाता हूँ, और जो मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं वो पुरुष होते ही नहीं। क्या पछता है ये? टंकी पे लटकी पाइप रही है। नहीं मेरे को तो फुल भरोसा था अपने जीजा जी पे। जीजू। अच्छा नहीं मामा जी, आप ही ने तो बोला था हाथ काट दोगे। खोखला गया है नटखट। इन्होंने नहीं बोला था निप्पल काट? अरे मैंने कब बोला, कान का इलाज करा बेटा वरना मैं लेकर चलता हूँ तेरे को। नहीं बोला, नहीं बोला। सॉरी पापा, हमने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के आपको गलत समझा। बेटा मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों पे कि तुम लोगों ने अपराध को अपराध समझा और रिश्ते को अपराध के बीच में नहीं आने दिया। सॉरी। मार्केट से जो लाने को बोला था ले आए? हाँ हाँ, इसकी फिल्मफेयर नॉमिनेशन के लिए खूब सारी मिठाइयाँ और तुम्हारे लिए बिंदी। काजल लाना भूल गए? उसके बिना भी यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ। बाओ। ओके दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरी नहीं भुवन बाब की। तो आपको देखने के लिए मैं लिंक दे दूँगा भुवन बाब का, वो देख लेना। और गालियों के लिए आई एम सॉरी, और यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब की बारिश।